पाकिस्तान की दुनिया के सामने इमरान ने फिर रोया सर्जिकल स्ट्राइक का रोना। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का फिर जाहिर किया डर। भारत पाकिस्तान पर कर सकता है सर्जिकल स्ट्राइक, के कहना इमरान खान का। यूएई में पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी दिखा चुके हैं यही डर। पहले ही इमरान खान खुद अपने ही देश में तमाम लोगों से घिरे हुए हैं, आम लोगों ने उन्हें घेरा है, विपक्षी पार्टियों ने उन्हें घेरा है, और अब ऐसे में यूएई में पाकिस्तानी विदेश मंत्री भी इस बात का डर दिखा चुके हैं। इमरान एक बार फिर से कमजोर पड़ते हुए, कमजोर साबित होते हुए पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं। अब इमरान खान की गीदड़भप क्या समझिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी फ्लैग ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। ये गीदड़ भभकी ही है और कह रहे हैं, और भारत को हर मोर्चे पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। यूं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वक्त वक्त पर जब जरूरत पाकिस्तान की आवाम को होती है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो आर्थिक मंदी हो, चाहे वो भुखमरी हो, तब तो आप कोई मदद होती नहीं, तब तो जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं। लेकिन गीदड़ भभकी अगर भारत को देनी हो तो उसमें इमरान खान आप पीछे नहीं रहते, आगे बढ़कर कहते हैं। लेकिन इस गीदड़ भभकी से इतना जरूर समझ आ गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कितना ज्यादा खौफ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में है। जी हां, लगातार पाकिस्तान की सियासत जो है वो गरमाई हुई है। एक तरफ विपक्ष लामबंद हो गया है इमरान के खिलाफ, तो जब जब इमरान संकट में होते हैं, या यूं कहा जाए कि पाकिस्तान में सियासत में जब जब कुर्सी हिलती है तो भारत का ही सहारा लिया जाता है, भारत को ही धमकाया जाता है, और भारत के नाम पर ही वहां राजनीति चलती है। लेकिन भारत बदल चुका है, अब वो पाकिस्तान की तरफ देखता भी नहीं है, और पाकिस्तान की कोई छोटी से छोटी भी हिमाकत होती है तो भारत मुंह तोड़ जवाब देता है।